आज हम बनाने जा रहे हैं सालसा की रेसिपी। सालसा आप देख सकते हैं, देखने में कितना टेम्पटिंग लग रहा है और ये बहुत ही टेस्टी बनकर रेडी होता है, बहुत जल्दी बनकर रेडी होता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू देसी फ्लेवर। तो चलिए बिना देरी के फटाफट बनाना स्टार्ट करते हैं सालसा की रेसिपी। इसके लिए हमें यहाँ चाहिए बेल पेपर्स और हमें चाहिए टमाटोज़। यहाँ पे मैंने 3 टमाटोज़ लिए और बेल पेपर्स लिए है, ये हम हाफ हाफ यूज़ करेंगे, पूरा यूज़ नहीं करेंगे। और यहाँ पे मैंने अनियन, ग्रीन चिली और धनिया पत्ता को चॉप कर लिया। साथ में यहाँ पे मैंने रखा है चिली फ्लेक, इसका यूज़ करेंगे। और यहाँ पे थोड़े से और इंग्रेडिएंट्स चाहिए जो मैं आपको दिखा देती हूँ। यूज़ करेंगे थोड़ा सा अजीनोमोटो और ये ऑप्शनल है, आपको यूज़ करना है तो कीजिए, अदरवाइज़ यू कैन स्किप इट। साथ में हम यहाँ यूज़ करेंगे सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंगली, और यूज़ करेंगे ब्लैक पेपर और ये पाउडर्ड है या क्रश करके डाल सकते हैं। यूज़ करेंगे थोड़ा सा शुगर, साथ में हमें चाहिए थोड़ा सा टमाटो कैचअप। बस यही इन्ग्रीडियंट्स हमें चाहिए सालसा बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पे हम बेल पेपर्स को हम कट कर लेंगे। तो बेल पेपर्स को हमने कट कर लिया डाइस शेप में और छोटे छोटे टुकड़ों में कट किया है। यहाँ पे थोड़े से गार्लिक लिया जिसको रोस्ट कर लिया तवे पर, और इन सब को हमने तवे पर रखा है, साथ में टमाटोज भी रख दिए। सभी चीज़ों को हम तवे पर एक साथ रोस्ट कर लेंगे इस तरह से कुछ देर के लिए। हम कुछ देर के लिए ऐसे ही रोस्ट करेंगे और इसमें अभी हम कोई इन्ग्रीडियंट्स ऐड नहीं करेंगे। सालसा बहुत टेम्पटिंग और टेस्टी बनकर रेडी होता है, आप भी ट्राई कर सकते हैं इस तरह से बनाकर सालसा। कई बार ऐसा होता है कि हमें सब्ज़ी खाने का बिल्कुल दिल नहीं करता या फिर हम सब्ज़ी खा करके बोर हो जाते हैं, तो हम इस तरह से कुछ नया ट्राई कर सकते हैं। और ये यकीन मानिए बहुत ही टेम्पटिंग और टेस्टी बनकर रेडी होता है। आप इसको रोटी पराठे के अंदर फिलिंग करके रोल बनाकर भी खा सकते हैं, या फिर ब्रेड के ऊपर हम लगा सकते हैं, या फिर टोस्ट के ऊपर भी हम स्प्रेड करके इसको ट्राई कर सकते हैं। मैक्सिकन रोल में तो सालसा स्प्रेड होता ही है, तो आप इसको रोटी पराठे में नॉर्मल स्प्रेड करके भी रोल करके खा सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये अच्छे से रोस्ट हो चुका है और हमने टमाटोज़ को जो है पील आउट कर लिया है। अब हमें करना है कि हमें ये सारे इन्ग्रीडियंट्स मैश करना है एक मैशर के हेल्प से, और हम इसको दरदरा मैश करेंगे, एकदम फाइन मैश नहीं करेंगे। और इसमें हम बाकी के इन्ग्रीडियंट्स डाल देंगे, सॉल्ट, ब्लैक पेपर, शुगर और ग्रीन चिली, अनियन और था टमाटो केचप, ये सारा हम इसमें डाल देंगे। साथ में अजीनोमोटो ऑप्शनल है, और डालकर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये बनकर रेडी हो गया है सालसा। आप देख सकती है कितना टेम्पटिंग और डिलीशियस लग रहा है। हम इसको सर्व कर देते हैं। सालसा दिखने में जितना कलरफुल लग रहा है उतना ही खाने में टेस्टी बनकर रेडी होता है, और ये एकदम फटाफट बनकर रेडी हो जाता है। और ये किसी भी रेसिपी के साथ आप इसको ट्राई कीजिए, उसका स्वाद जो है बढ़ा देता है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरी ये छोटी एंड सिंपल रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए। और आप अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आगे के आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का थैंक यू सो मच।